हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सरकार लड़कों में। रेल मंत्री ने यात्रियों को दिया है बहुत ही बड़ा तोहफा। सभी यात्रियों को मिलेगी ये नई सुविधा। वरिष्ठ नागरिक, पुरुष, महिला, बच्चे सभी को होगी इस नई सुविधा से बहुत ही अच्छी सहूलियत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बताएंगे। क्या दोस्तों नई योजना रेल मंत्री के द्वारा सभी ट्रेनों में अनाउंस कर दिया गया है, जिसको यात्रियों को आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी सुविधाजनक मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारतीय रेलवे की गिनती दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में की जाती है। इंडियन रेलवे में रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलों द्वारा समय समय पर नियमों में बदलाव किए जाते रहते हैं। और साथ साथ दोस्तों इसी कड़ी में एक और नई भारतीय रेलवे ने नियम में बदलाव किया है। दोस्तों बता दें, भारतीय रेलवे पैसेंजर ट्रेन में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाने की योजना बना रही है। रेलवे ने इस कदम को आपको बता दें इस कदम के बाद 65 ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। इस सुविधा के आने के बाद यात्री समय पर यात्रा करते समय ट्रेन में ही आपको देख सकते हैं ट्रेन कहां से गुजर रही है, आगे कौन सा स्टेशन आने वाला है। सांसद तो रेलवे के इस कदम से यात्रियों को सहूलियत पहुंचेगी। इस सुविधा के आने के बाद यात्री को लाइव ट्रेन का स्टेटस अपने मोबाइल फ़ोन में देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें ये ट्रेन किस तरीके से कहाँ चल रही है, कहाँ से गुजरने वाली है, अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। जैसा कि दोस्तों हमारे बुजुर्गों यानी कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाएं और जो भी अनपढ़ लोग हैं वो दोस्तों मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, या दोस्तों कभी कभी जो भी यात्री यूज़ करते हैं इंटरनेट काम नहीं करता है तो उनको पता भी नहीं चल पाता ट्रेन का लाइव स्टेटस कहाँ पर है। तो ऐसे में दोस्तों पैसेंजर ट्रेनों में भी आपको बता दें इस सुविधा आपको डिस्प्ले बोर्ड पैसेंजर कोचों में लगने की सुविधा की जा रही है। आपको बता दें पैसेंजर ट्रेनों में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड सुविधा आने के बाद यात्रियों को लाइव रनिंग स्टेटस भी देख सकेंगे। इसके अलावा डिजिटल बोर्ड समय समय पर असामाजिक तत्वों से बचाव के लिए अलर्ट भी जारी होता रहेगा। यानी दोस्तों आप सभी को अब मोबाइल फ़ोन पे रनिंग स्टेटस देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, या दोस्तों इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो आप लोग अगले कौन सा स्टेशन आने वाली है ये सभी देख सकते हैं। दोस्तों जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे सभी तरह के नए वंदे भारत, हम सफ़र, एसी इकोनॉमी और साथ साथ ईएमयू मेमो ट्रेन में डिजिटल डिस्प्ले की सुविधा बना रही है और कुछ ट्रेनों में तो वंदे भारत जैसी तेज़ सुविधा लग चुकी है। इस डिजिटल बोर्ड की सबसे खास बात यह है कि GPS सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा। आपको काफ़ी यहाँ पर सहूलियत मिली है। और दोस्तों साथ साथ आपको बताते चलें कि पहले ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ तेजस, वंदे भारत जैसी यहाँ पर ट्रेनों में था, लेकिन दोस्तों अब GPS सुविधा से सैटेलाइट संचार नेटवर्क प्रणाली के द्वारा रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। इसके बिना रुकावट में खेद कुछ भी तरह का नहीं होगा और रेल में लाइव स्टेटस आप सभी को दिखते रहेगा, पता चलते रहेगा। तो जो काफ़ी अच्छी सुविधा पैसेंजर ट्रेनों में जैसे कि एक्सप्रेस ट्रेनें, मेमू ट्रेनें सभी में आपके लगाने की योजना है और बहुत ही जल्द सभी में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो जो आपको ये कैसा लगा योजना नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और यात्रियों को सहूलियत तो काफ़ी मिलेगी। और इसी तरह दोस्तों नई अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।